लुकेस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। जुनूनियत एपिसोड 2 का रिव्यू चलिए करते हैं। कैसा रहा है एपिसोड 2 और क्या उतार चढ़ाव इस एपिसोड में आए, चलिए आप लोगों को बताती है ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कलर्स टीवी पे जो है 8:30 बजे आप लोग जुनूनियत देख रहे हैं। इसका सेकेंड एपिसोड जो है आ चुका है और ये एपिसोड जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हार्ट टचिंग रहा है। जब अंकित गुप्ता यानी कि जहान की फैमिली की स्टोरी सामने आई, भाई बहुत ही ज्यादा दिल पसीज गया ये चीज देख के। हालांकि इलाही के भी लाइफ में कुछ कम चिंता नहीं है, उसकी जो जो दादी माँ है वो सब चीज़ें पता चल गई है कि भाई इलाही को जो मना किया है गाना गाने से, फिर भी जो है इलाही गाना गाते रिहास करते हुए नजर आए। और इसी दौरान ही जॉर्डन को जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया और जॉर्डन की भी कुछ कहानी जो है सामने आई। हालांकि कल के पहले एपिसोड में जो है इलाही की पूरी कहानी सामने आ चुकी है कि आखिरकार उनकी मम्मी जो है जा चुकी है और उनकी मम्मी के कारण जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है इलाही को सुनने के लिए मिलती हैं और उनकी दादी जो बीजी है वो भी उनको गाने से मना करती हैं। अभी जो है इन तीनों को कॉम्पिटिशन के बारे में पता चल चुका है और इलाही जो है अभी रिहाज कर रही है और वहीं पर बुआ का बेटा, छोटा सा बेटा जो है वो इलाही का साथ देता है। पर फिर भी जो है गुरुद्वारे जब ये सब लोग जाते हैं तब उस दौरान वहां पर वो छोटे लड़के का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके कारण जो है वो इलाही को बता नहीं पाता है कि हम जल्द से जल्द गुरुद्वारे से वापस घर लौट रहे हैं। वहीं पर इलाही को जो है उसकी बीजी बुआ और बुआ का पति जो है वो पकड़ लेता है रिहास करते हुए और इसके बाद जो है मां की फोटो को जला दिया जाता है। हालांकि ये चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं गई बट कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। मां की फोटो को जला दिया है, रिहास का पियानो जो है नीचे फेंक दिया है और काफी सारी बातें जो है बीजी ने इलाही को सुनाई। और वहीं पर अंकित गुप्ता यानी कि जहान की जो स्टोरी सामने आई वो दिल पसीजने वाली थी। जहां पर जहान ने अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहा और जहां पर जहान की मम्मी है उसके उनके भाई के घर में जो है ये तीनों रहते हैं और इनके पास जो है पैसा नहीं है, जेब से खाली है। और उसी दौरान ही ये पंजाब से इसीलिए आ गए थे फ्लाइट पकड़ के क्योंकि इनके ऊपर कुछ बिजनेस का काफ़ी बड़ा ब्लेम लगा था, काफ़ी बड़ा आरोप लगा था, इसीलिए उनको जो है लंदन आना पड़ गया रातों रात। और वहाँ पर जो है जो जहान है उनकी मम्मी के भाई के घर पे वो रुके और 20 साल हो चुके हैं। जहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं अपनी एनिवर्सरी का, जहाँ जो है अपने मम्मी पापा की सेलिब्रेशन जो है करने वाले होते हैं और वहाँ पर जो घर की कुछ लेडीज होती हैं वो आती हैं और बोलती है फ्लश खराब हो गई, भाई प्लम्बर को बुलाया जाए। इतने बड़े मेहमानों के बीच में, इतने ज़्यादा मेहमानों के बीच में उन्होंने ये बात बोली और वहाँ पर जो है ये बात बोल दी कि भाई प्लम्बर कहाँ है, प्लम्बर को बाहर से क्यों बुलाएंगे जब प्लम्बर घर में ही मौजूद है, यानी कि जहान के पिताजी। और वहाँ पर पिताजी ने उफ भी नहीं बोली और इसी दौरान ही वहाँ पर जाके फ्लश ठीक करने लग गए, वहाँ पर प्लम्बर का काम करने लग गए। और वहीं पर जो दूसरी जो एक्चुअली में जहान की मम्मी के जो ब्रदर है उनकी जो घरवाली हैं, पत्नी हैं, उन्होंने केक भी फेंक दिया और मेड के जैसा काम करती है जहान की मम्मी पापा उन्हीं के भाइयों के घर में। एक रुपया नहीं है जेब में, इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है, उनको सुनने के लिए मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती सहने के लिए मिल रही है। अभी जहान को जो है पंजाब जाना है कंपटीशन के लिए पर पापा मान नहीं रहे, पर पापा को गुरुद्वारा जाके जो है जहान की मम्मी ने समझा ही लिया है और वहीं पर जहान के पिताजी ने जो है हाँ भी बोल दी है। वहीं पर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन जो है काफ़ी अमीर बाप की औलाद है और काफ़ी बड़ी कंपनी के एक्चुअली में वो मालिक है। बहुत ही रिहायशी एरिया में काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक बजा रहे थे जिसके कारण पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है पुलिस स्टेशन ले गए। पर जॉर्डन की जो मम्मी है वो एक्चुअली में उनको छुड़ाने के लिए आ गई पर पिताजी को पता ना चले। सब लोगों ने ये प्लान बना लिया था पर मीडिया, आखिरकार मीडिया से सब चीज़ें पता चल जाती है। जैसे ही जॉर्डन के पिताजी को पता चला है, पिताजी ने लगा दी है लंबी आवाज़ और अभी आगे क्या होने वाला है ये आप लोगों को मैं कल के एपिसोड से पहले ही बता दूंगी। हालांकि एक बात यह है कि ये एपिसोड 2 बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग रहा,
मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा कमाल की स्टोरी जो है वो जहान की लग रही है, काफी ज्यादा इमोशनल लगी, काफी ज्यादा हार्ट टचिंग लगी। एक ऐसा फील आया कि यार ये क्या हो रहा है, कितनी बदतमीजी से ये बात कर रही हैं किसी बड़े इंसान से, और मम्मी पापा की ऐसी बेइज्जती कर रही हैं, और वहां पर जहान भी कुछ बोल नहीं पाए। और अभी जहान के पास पंजाब जाने के पैसे नहीं है और बाबा जी से वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकाले और पंजाब पहुंचा दे कॉम्पिटिशन के लिए। अभी देखना ये होगा कि बाबा जी जहान के लिए क्या रास्ता निकालते हैं, कैसे पैसों का अरेंज करते हैं। पर जो भी होगा वो हम एपिसोड आने से पहले ही आपको बता देंगे। आज का एपिसोड मुझे लगा कमाल का, आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।